सलाह दी कि भ्रम छोड़ दे कि तेरा ईगो छोड़ दे और भगवान राम को बज ले और भगवती सीता दे दे। ज्ञान की बात की तो रावण को गुस्सा आया कि मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी, क्या बंदर हमारे पंडित के गुरु हो जाएंगे। मृत्यु निकट आई खल तो ही अधर्म लज लाज नहीं हो। ये पूरा आगे सुनते हैं मजा आता है। हे बंदर तुझे डर नहीं है क्या, बोले जा रहा है। राम हनुमान जी ने कहा कि तू बदमाश है, तेरे साथ बदमाशी कौन करे, मगर मैं तेरे को बोलता हूं कि उल्टा हो कहे हनुमाना मति भ्रम तो प्रकट में जा। हमारी मति भ्रमित होती है, तुम कुछ ना कुछ बकवास करते रहते साहब। अद्भुत संवाद। रावण ने आदेश दिया कि इस बंदर को मार दिया जाए। कई समय विभीषण आना, विभीषण महाराज आए, कहा कि नीति विरोध न मारिए पिता, नीति के विरुद्ध है, दूत को मारना नहीं चाहिए। यदि उन्होंने कुछ अशिष्ट शिष्ट का उल्लंघन किया है, शिष्टाचार का उल्लंघन है, तो आप दंडित करें, मगर उसको वध नहीं कर सकते। रावण को ये बात अच्छी लगी और रावण ने सोचा कि बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, पूंछ जलाई जाए, पूंछ जला के उसको खंडित कर दो, फिर उसके स्वामी को लेके आएगा तो पता चलेगा कि रावण क्या चीज है। हनुमान जी ने कुछ खेल किया और हनुमान जी के खेल में विषाद लंका जल जाती। रहा नगर सनक देला, पूछ को बढ़ाया, इतने कपड़े लगाए गए, गर्भ और तेल लंका का खत्म हो गया, मगर हनुमान जी की पूछ खत्म नहीं हुई। ये बजरंगबली, जिसकी पूछ को आप नहीं माप सकते साहब, हनुमान को कैसे माप पाओ। मगर ये राक्षस पुत्रों ने अपराध किया, चरण से प्रहार किया, हनुमान जी को लात मारी। मगर आचार्य तुलसी बहुत अद्भुत लिखते हैं कि हनुमान जी संत है और संत का दर्शन लंकावासी को हो जाए तो शीघ्र राम आएंगे और सबको मुक्ति दी गई। बाजत ढोल देश अवतारी नगर फेरी, पूरे नगर में हनुमान जी महाराज को फिराया गया ढोल नगारे के साथ। अब पूछ को जलाया गया, हनुमान जी ने लख रूप धारण किया, नींबू की चढ़े हो कभी कनक अटारी, अटारे के ऊपर प्रभु चढ़ गए। 49 मरुत ने सपोर्ट किया, उसका सहयोग किया, चले मरुत 49 अट्टहास्य करी गर्जा कभी बड़ी लांग आकाश। क्षण भर में लंका भर भर जलने लगी साहब, पूरा सोना था। मगर यह कहा कि साधु अवज्ञा कर फल तैसा, कभी भी साधु की संत की ब्राह्मण की अवज्ञा न करे। पूरी लंका की सोना थी, साधु की अवज्ञा के कारण उसके लंका एक क्षण में जल के भस्म हो गई। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जलाई, समुद्र में छलांग लगाई, पूछ बुझाई खोई स्तंभ, जनक सुधा के आगे ठाड़ भय कर चोरी, मात मोहिनी जय कछु जिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि जिन्हा, चुड़ामणि उतारे तब ते, चुड़ामणि लेकर इस पार आए। सभी बंदर ने देखा कि हनुमान जी आ गए, चलो हमारा काम हो गया। सब वन में गए, वन के फल खाए, रक्षक आए, रक्षक को मारा, राजा ने फल खाया, बंदरों ने ऐसा देखा तो सुग्रीव हर्षित हुए, क्योंकि करी आए प्रभु काज, काज संपन्न हुआ ऐसा लगता है। हनुमान जी महाराज और सुग्रीव की मुलाकात, जामवंत जी राम हनुमान जी को लेकर राम जी के सम्मुख फटिक शिला बैठे, दो भाई आते हैं और हनुमान जी का प्रकार करते हैं। राम जी गदगद होते हैं कि आपने मेरे पर उपकार किया, मैं इसका बदला दे नहीं सकता हूं। जब बखान किया हनुमान जी महाराज राम के चरण में,
बार बार प्रभु चयू उठावा प्रेम मगर से ही दबन पावा। प्रभु ने पूछा कि भाई ये लंका कैसी है और ऐसे बड़े सोने के दुर्ग को आपने कैसे जला दिया। भगवान राम ने बखान किया तो हनुमान जी को लगा कि ये बखान सुन के मुझे अभिमान आ जाए। प्रभु के चरण में बैठ गए। प्रभु नाथन मोरी कछु प्रभु सारी सोतम प्रताप रघुराई। हे प्रभु ये जो भी है ना बंदा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है प्रभु तो मैंने कुछ नहीं किया, बंदर क्या कर सकता है। शाखा पे शाखा पर जाए, एक डाली से दूसरी डाली कूद सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ा पराक्रम बाप की आपकी कृपा से। सब लोग राजी। कहा के प्रभु सीता का संदेश दिया और सीता बहुत दुखी है ऐसा बताया। तो राम ने कहा कि दुख की व्याख्या ये है कि जब आपके जीवन में से भजन निकल जाए, प्रभु का स्मरण निकल जाए, उसको दुख कहते। और प्रभु का स्मरण भगवती सीता श्रेणीबद्ध श्वास की श्रेणी के हिसाब से किए जा रही है। प्रभु ने आदेश दिया आए सब वानर जूथम भालू वानर भालू बरूथ सब जूथम जूथ आए और भगवान ने चितई कृपा करी राजीव नहीं ना। अमी दृष्टि डालकर प्रभु ने सबके ऊपर कृपा की। जैसे प्रभु की दृष्टि दृष्टिपात हुआ सब बलवान हुए और सब गर्जना करने लगे और चला कटक को बरने पारा पूरा ये कटक आगे निकला और हमारी कथा आई थी दोहा 36 वो गाली आपने राम बाण अहिगन सर से निकल निशा कर बे जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करो करते श्रवण कजी सत्ता करी बानी बिहसा जगत दिखती बानी। श्री प्रभु राम जी का जो बाण है वो सर्पों का समूह है और राक्षस का समूह है वो निकर निशाचर भेक दादू डेड का समान डेड को हिंदी में क्या कहते मेढक समान है और इस मेढक की सभा को गस लेंगे प्रभु के बाण और यहाँ मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी ऐसे रावण की बात आई। अब थोड़ा यहां से लंका में प्रवेश हो गया। श्रवण सुनि सत्ता करि बानी बिहसा जगत विदित अभिमानी। रावण की उपाधि है क्या? रावण ने सुना के सब लोग एकत्रित हुए। प्रभु राम ने एक सेना का गठन किया उसमें वानर और भालू है। ऐसा सुना तब रावण को हंसी आई और रावण को दो उपाधि दी है सठता करी मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी। दिशा जगत विधि अभिमानी सभी स्वभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा। यह मंदोदरी सोचती है कि जिसके दूत ने यहां आके इतना पराक्रम कर दिया उसके स्वामी यदि इधर आएंगे तो क्या कुछ नहीं होगा। जो आवई मरकट कटकाई यही विचारे दिशा चल खाई। मंदोदरी ने बहुत समझाया तो रावण कह रहे कि स्त्री स्वभाव है आप डरपोगे उसको आने दो हमारे राक्षस लोग को नाश्ता मिल जाएगा। जो आवई मरकट कटकाई यही विचारे निशाचर खाई हमारे निशाचर को कोई नॉवेल्टी भोजन मिल जाए ऐसा रावण कहता है। कम पहलो को बजा के त्रासा तासु नारी बिट पड़ी हंसा।
हे मंदोदरी जिसके नाम मात्र से त्रिलोक कंपित होता है, भयभीत होता है, उसकी स्त्री ऐसे डर को आपको डरना नहीं चाहिए। अस कही बिहसिताई उरलाई चले सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। मेरे पति के ऊपर किसी ने विधि की है जा ताकि उनकी बुद्धि विपरीत हो गई। और सब बुद्धि विपरीत बन जाती है तो क्यों ना आपके पास लंका की सोना हो, अब सब कुछ खो बैठ के समाप्त हो जाना चाहिए। यहां मंदोदरी को भय लगा और स्त्री है वो अपने पुरुष की चिंता करती है कि मेरे पुरुष की बुद्धि ऐसी क्यों हुई, खाने की पीने की स्वास्थ्य की तो चिंता करती है मगर उसके विचार की भी चिंता करती है कि मेरे पति ये अनिष्ट की ओर क्यों जा रहे हैं। जरूर उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, किसी ने उसकी बुद्धि को भ्रमित किया है। यहां रावण सभा के बीच में आया बैठे हुए सभा कबरिया सिपाही सिंधुपार सेना सभाई। सभा के अंदर एक दूत आया, उन्होंने कहा कि राम जी की सेना तैयार है। तो सब मंत्रियों को कहा कि आप उपाय बताइए, अपना मत दीजिए क्या करना चाहिए। मुझे सचिव उचित मत कहे होते सब हंसे मस्ती करके हो और सब सचिव भी हंसने लगे। हे रावण जी आपके सामने बंदर क्या चीज है। जीते उस रासुर तब श्रमनाई नर बानर के ही देखे पाए। बड़े बड़े देवता लंका की ओर नहीं देख सकते और ये बंदर और भालू क्या कर पाएंगे। कितने भी भालू है बंदर है हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सचिव लोग रावण को मरवा रहे हैं। सचिवों को बोलना चाहिए कि एक बानर आया तो इतना कुछ कर गया तो वहां तो बहुत सारा है। मगर सचिवों ने सोचा कि ऐसा बोलेगी तो रावण को गुस्सा आएगा और गुस्सा आएगा तो हमारी नौकरी जाएगी। तो सचिव ने मधुर भाषण किया, मीठा बोलने लगे और सचिव जब मीठा बोलता है तो हमारा राज्य का नाश होता है। पर यहां आचार्य तुलसी ने तीन लोगों को मीठा नहीं बोलना चाहिए ऐसा उपदेश दिया। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भई आस राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। सोई रावण कहु बनी सहाई अस्तुति करे सुनाई सुनाई अवसर जानी विभीषण आव पराता चरण शीश ते ना उन सिर नाई भेद नित आसन बोला वचन पाई अनुशासन जो कृपा पूछई मोहि बाता मति अति रूप जो आपन चाहे कल्याण सुजस सुमत मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल जपत निरंतर शंभु। यहां तुलसी ने उपदेश दिया कि तीन लोगों को मधुर भाषी नहीं होना चाहिए। आपका सचिव आपका सेक्रेटरी आपका मैनेजर समझो आपकी आउटस्टैंड प्रॉपर्टी है वो चला रहा है। आप वर्ष में एक बार उसको मीटिंग के लिए बुलाते हो और आप वहां जाते हैं सब कैसा है सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ताकि उसकी नौकरी बची रहे। तो एक दिन क्या आएगा धंधा चौपट हो जाएगा। तो सचिव को मधुर नहीं बोलना चाहिए जो है वो बोलना चाहिए। कटु भाषण उसको गलत लगे तो ठीक है मगर
जो है वो बताना चाहिए। यहाँ रावण के सचिव ने गलत किया, सब हंसे और महाराज जी आपके सामने क्या निश्चित है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव वैद्य और गुरु, ये प्रिय बोलने लगे तो आपके जीवन में भय आ सकते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। राजधन जराज धर्म तन तीन कर होई वेग ही। तीन चीजों का नाश करा रहे तीन लोग, राज का, धर्म का और तन का। सचिव राज का नाश कराएंगे, एसेट का नाश कराएंगे। सचिव वैद्य यानी कि डॉक्टर, आपको हाइपर शुगर है, आपको हाइपर प्रेशर है, आपको काफी प्रकार की किडनी भी इधर उधर होने लगी है, मगज चक्रा चढ़े हुए हैं,